अलीजे अम्मी बेटा क्या हुआ बेटा? राहिल रफीक जल्दी आओ। अलीजे क्या हुआ? अम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाय तबीयत ठीक है तुम्हारी? शरीना जल्दी से थर्मोमीटर लेके आओ, इसका फीवर चेक करें। बताओ क्या हुआ, ठीक हो तुम? क्या हुआ? आज पूरी नींद में डर गई। अरे मैंने कहा था ना इसे अकेला मत छोड़ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अकेला नहीं मैंने छोड़ा, पास ही थी मैं इसके। तो मुझे लगता है डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं, रात को सिर्फ बुखार के लिए मैं ले आती हूँ बुखार की दवाई। क्या हो गया? पूरा 101 हो रहा है टेम्परेचर। तुम एक काम करो दवाई लेके आओ। चलो ये बताओ ख्वाब में तुमने क्या देखा? भाई मुझे बहुत डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बच्चे कुछ तो बताओ ना। मैंने क्या देखा? कि मैंने सर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए। आपको पता है ना मुझे काले रंग से कितना खौफ आता है। हाँ लेकिन हद हो गई ड्रामेबाजी की। तुम चार दिन से हमें रातों को सिर्फ इसलिए डरा रही हो? अरे इसे काले कपड़ों से कौन डरता है? शेरीना हर इंसान का अपना अपना खौफ होता है, और ये ख्वाब शायद कोई इशारा हो, वरना ये रोज एक ही ख्वाब क्यों देख रही है? अरे भाई वैसी बातें करके अलीजे को परेशान मत करो, पहले ही घबराई हुई है बेचारी। हाँ अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल सुबह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मैं अलीजे को शाम तक दिखा दूंगा। तब तक तुम अपना ख्याल करो, घबराने की कोई बात नहीं है, अम्मी अबू हम लोग सब साथ हैं, ठीक है ना? रेस्ट करो। शाबाश। हालांकि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तो इन सबको है, पहला वजह थैली का छाला बनाकर रखा हुआ मोहतरमा को। बस ये बात थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शामिर? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम लोग शादी करेंगे, फिर अब एक मिनट मैंने कब ऐसा होना? स्वीटर मेरी तुम्हारे अलावा भी बहुत लड़कियों से दोस्ती है, लेकिन ऐसी बेवकूफाना कमिटमेंट मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये लो मेरा फोन, कर लो चेक। शामी मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे इतने करीब आई। That's your problem. I never forced you. भाई इतनी लड़कियों से दोस्ती है, भला किस किस से शादी करता फिरूंगा? लेकिन शामीर देखो रुबाब, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, और अगर तुम चाहती हो तो ये दोस्ती इसी तरह चल सकती है, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल ना ये नहीं चलेगा। और वैसे भी मेरा मानना है कि शादी एक शरीफ अच्छी और खानदानी लड़की से होती है, लेकिन दोस्ती और टाइम पास के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं? चुप रहना आप। जी बाबा हुक्म। कहाँ हो तुम? एक दोस्त के साथ। अच्छा तुम जरा फौरन आ जाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। Is everything all right? हाँ तुम आओ ना फिर बात करते हैं। ठीक है बाबा मैं आता हूँ। तुमसे ना ये तवक्को नहीं थी, बहुत जालिम इंसान हो तुम। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन, मैं ऐसा ही हूँ। अब जिसको इस बात से एतराज है वो अपना रास्ता आराम से अलग कर सकता है, समझे तुम? कैसे किताबें फैलानी हैं? अरे रानिया बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताइये में तबरेज का कमरा सेट कर रही थी। ये तो सब ठीक है मेरी जान, अब ये सब रहने दो, तुम्हारी शादी होने वाली है, जाके जरा शामीर का रूम भी सेट कर दो। वो तो कब का सेट कर दिया? वाकई? अच्छा ठीक है मैं जरा किचन में जाके सईदा को देख लूं, क्योंकि खाना अगर इन दोनों की पसंद का ना बने ना बेचारी की तो शामत आ जाती। ये सब ना शामीर करते हैं, तबरेज कहाँ कुछ बोलता है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे ये
सुबह सुबह गए कहाँ हैं दोनों? पता नहीं ताई अम्मी, ये कब कुछ बता कर जाते हैं। वैसे आने दो, खबर लूंगी मैं इन दोनों की। अरे जाती हूँ, जाके जरा सईदा को देखूं। इसे कहाँ गया है इतनी सुबह सुबह? इरादा तो ये था कि तुम्हें खुद तुम्हारी सालगिरह पे विश कर दूं, लेकिन शायद अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। मगर इंशाल्लाह अगले साल हम दोनों ये दिन इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। अम्मी डरा दिया आपने। अरे बेटा तुम भी हद करती हो, भला घर में कौन डरता है? और जब तुम बाहर निकलोगी तो फिर क्या होगा तुम्हारा? अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं है, डरती वरती नहीं हूं मैं, बस वो आप अचानक आ गई ना इसलिए डर गई। अच्छा छोड़े, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत प्यार। लेकिन मेकअप क्यों किया तुमने? अम्मी बर्थडे है मेरी, सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं, तैयार भी नहीं हूँ मैं। अरे बेटा मैं तो इसलिए बोल रही थी, तुम तो पहले ही इतनी प्यारी हो और बाहर सो बुरी नजर के लोग फेर रहे होते हैं, तुम्हें नजर भी तो जल्दी लग जाती है ना। अम्मी नजर वजर कुछ नहीं होता और नजर से कोई मर नहीं जाता। ये क्या ऑल फॉल बोल रही हो तुम? आज सालगिरह है तुम्हारी, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालो बेटा। चलो आ जाओ जल्दी से नीचे चले। अरे अब किसका फोन आ गया? अहमद, सालगिरह की मुबारक देनी होगी। सुनो, हेलो, थैंक यू। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। गुलाम मोहम्मद बड़ा ही दम भरता था जी आपका, जब तक वो आपके इस घर में मुलाजिम था तब तक हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी साहब। हाँ अच्छा इंसान था लेकिन दुनिया से जल्दी चला गया। खैर बहरहाल बताओ किस लिए आई हो, क्या चाहिए? साहब वो बेटी की बात पक्की कर दी है, अगले महीने शादी है उसकी, आपकी तरफ से कुछ मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होगा। ये लो। इससे क्या होगा साहब? क्या मतलब इससे क्या होगा? अब क्या तुम्हारी बेटी के नाम अपना घर कर दूं? जो दिया है सबर शुक्र करो और जाओ यहाँ से। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी आप। अरे उम्मीद लेकर आई थी तो पैसे दे रहा हूँ ना। चौकीदार, और चौकीदार बाहर निकालो इसे, चलो जाओ। पागल हो गई है, पागल हो गई है। मरने का इतना शौक है तो जा समुंदर के किनारे, समुंदर में छलांग लगा। गाड़ी के आगे क्यों आ रही है? जिन्हें वक्त ने मारा हो बेटा उन्हें तुम क्या मारोगे? बकवास नहीं कर मेरे आगे बुढ़िया, खूब जानता हूँ मैं तो जैसी औरतों को। भीख मांगनी है ना एक कटोरा ले और जा सिग्नल में खड़ी हो जा। अम्मी 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 ये किसने भेजे हैं? बता दें। नाम तो इस पर मेरा है लेकिन कार्ड पर कोई नाम नहीं है। फिर किसने भिजवाए हैं? ये तो उसी ने भिजवाए होंगे जिसको पता है कि आज मेरी बर्थडे है। आपका भतीजा अहमद, बहुत प्यारा बच्चा है वो। पता है मुझे फोन पर ही कह रहा था कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये था सरप्राइज उसका, देखिए कितने सारे गिफ्ट्स भी हैं।
क्या हुआ भाई? बहुत देर हो रही है, अबू को भी रास्ते से पिक करना है, चलें? हाँ, मैं बस अपने कमरे से हैंडबैग लेके आती हूँ। हाँ, हैंडबैग ले आए। वेरी नाइस फ्लावर्स। किसने भेजे? अहमद ने। ये देखिए प्रेजेंट्स भी हैं, खोलते हैं। खोलना क्यों है भाई, देर हो रही है। अरे नहीं रखो भाई, दो मिनट लगेंगे। नहीं ना, देर हो रही है। मुझे चलो अम्मी, अम्मी चले। शरीना, शरीना आपको स्पेशल इनविटेशन दूं क्या? चले आ जाए। प्लीज रुकिए। अब गुलाम मोहम्मद साहब की बीवी है ना? आप तबरेज साहब है ना, मोहसिन साहब के छोटे बेटे? जी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस बेटा, जरूरत ने भिखारी बना दिया। भीख के साथ साथ गालियां तो सुननी पड़ती है। खैर, अल्लाह मालिक है, हम चलते हैं। प्लीज आप रुकिए, मुझे अपनी जरूरत तो बताएं, हो सकते हैं मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अगले महीने बेटी की शादी है, बिन बाप की बेटी है। इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। सोचा था कि बड़े साहब कुछ मदद कर देंगे, लेकिन अब एक सेकंड रुकिए। मेरे पास इस वक्त इतने ही पैसे हैं, प्लीज ये रख लें। आप बेफिक्र हैं, आपकी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी। मैं एक दो दिन में चक्कर भी लगाता हूँ आपके घर का, प्लीज ये रख लें। खुश रहो बेटा, तुम्हें मेरी भी उम्र लग गया। आपको मैं छोड़ आता हूँ घर, आइए। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे खुद। खुश रहो तुम। नहीं भाई, वो रफीक तो किसी सूरत नहीं मानता भाई। वो तो कहता है जी कुछ भी हो जाए मैंने अपना घर नहीं बेचना। बाबा ये, अरे वाह, तुम्हारी शादी के कार्ड्स आ गए। कितनी जरूरी बात क्यों ना कर रहे हो, तुमने अपनी टांग जरूर अटकानी होगी। हाँ बताओ क्या करना चाहिए। बाबा अगर वो घर बेचने को तैयार नहीं है तो कब्जा कर लेते। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह बात ख़राब हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि बात ख़राब हो। तुम कोशिश करो, ज़रा दबाव बढ़ाओगे तो मान जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबा अगर वो घर बेचने को तैयार नहीं तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आई मीन पूरा शहर पड़ा है, आप लोग कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तुम ना ज़रा मेरी बात सुनो, उसका जो घर है ना वो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बीच में है। उसका जो एक मकान है ना, उस एक मकान की वजह से हमारी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। राइट, जस्ट इन केस अगर वो लोग किसी भी सूरत में घर बेचने के लिए तैयार नहीं होते क्या करोगे? क्यों नहीं मानेगा भाई, पैसे में बहुत ताकत होती है। और वैसे भी अब अगर कोई सीधी उंगली से नहीं मानेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, इसलिए कि तुम्हारा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, सारा वक्त तुम अपने फजूल से इंस्टीट्यूट में जाया करके आते हो। मेरा काम है बाबा, और मुझे नहीं लगता कि कोई काम भी फजूल होता है। और वैसे भी जैसे आप दोनों काम करते हैं, ना तो मैं ऐसे काम कर सकता हूं और ना ही मैं उससे अग्री करता हूं। हाँ भाई, कहाँ थे इतनी देर से, कब से ढूंढ रही हूँ। वो एक जरूरी काम से गया था। कौन सा काम? एक दोस्त की बर्थडे थी और मुझे उसे गिफ्ट भेजना था। आई जस्ट डिड दैट। अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट मंथ मेरी भी बर्थडे है,
और अब हमेशा की तरह भूल मत जाना। एक्सक्यूज मी चाचाजाद, मैं आपकी बर्थडे कभी नहीं भूलता हूँ, ना ही आपको गिफ्ट भूलता हूँ। आई थिंक आप की भूल रही हैं कि ये काम आपके चहेते शामिर का है, नॉट माइन। उसे तो अब साथ खून माफ है। वैसे ना उसे ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है। तुम ना हाँ भाई, तो फिर क्या प्लानिंग हो रही है मेरे खिलाफ? मेरे होते हुए कोई आपके बारे में कुछ कह सकता है? एग्जैक्टली exactly. ये देखो आ गई तुम्हारी वकील। यू नो व्हाट, यू डू डिजर्व ईच अदर। मैं तो गया यहां से भाई, बाय। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितनी प्यारी लग रही थी। ये कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको पसंद है ना, इसलिए पहना है। मैं भी कॉल करके थैंक यू नहीं कहूंगी, करते रहना इंतजार। हाली से सो गई है? अभी जाग रही है। तबीयत कैसी है उसकी? तबीयत तो आज उसकी ठीक है, बल्कि खुश भी बहुत है वो। तो बेहतर होता तुम उसी के पास रुक जाते। हाँ मैंने उसे कहा था लेकिन वो मानी नहीं, कहने लगी आप परेशान ना हो, आराम से जाकर सो जाए। बेटियों की भी अपनी रौनक है। सोचता हूँ कि कल को उसकी शादी हो जाएगी तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। रफीक आप मुझे बताएं, अहमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ अहमर अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि वो अलीजे को पसंद करता है। अगर भाभी ने मुझसे सवाल किया ना तो मैं तो एक मिनट भी नहीं सोचूंगी। और आप जानते हैं ना कि अहमर मुझे कितना अजीज है, और फिर अपनों की बात ही कुछ और होती है। रफीक क्या बात है, आप क्या सोच रहे? यही कि राहिल और अलीजे को मकान के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, वो अमीर और ताकतवर लोग हैं। मैंने तो पहले ही कहा था इससे पहले कि बात बिगड़े उनकी बात मान लेनी चाहिए। अपने बच्चों से जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता ना। खैर कल उनसे मीटिंग है, देखते हैं क्या फैसला होता है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना। तुम भाभी से कोई बात ना करना, अगर उनके दिल में ख्वाहिश होगी तो वो खुद रिश्ता मांगेंगे। जी ठीक है। अहमद सलाम अलैकुम। आपी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? वो मैं कल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, सोचा था कि आपसे मिल लूँ एक दफा आकर। कल जा रहे हो तो फोन करते ना, मैं मिलने आती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या बात है आपी, मूड ऑफ लग रहा है आपका, कहीं भाईजान से लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? जी नहीं, उनसे तो नहीं हुई लड़ाई,
मगर तुमसे जरूर होगी। मुझसे क्यों झगड़ा होगा आपका? क्या किया मैंने ऐसा? कभी दो पैसे का गिफ्ट आप ही को तो दिया नहीं। बर्थडे तक मेरी भूल जाते हो हमेशा। हाँ, अलीजे की सालगिरह पे तोहफे आ रहे हैं, फोन पर फोन आ रहे हैं, बुरा तो लगेगा मुझे। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? भोले बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो फूल और केक बगैर नाम के भिजवाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? जिस मकसद के लिए सब कुछ हो रहा है ना, अलीजे से शादी होने नहीं दूंगी मैं तुम्हारी। अजीब, जानती हूँ तुम्हें बचपन से, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। रफीका है जी, बोलिए। कहाँ है? क्या सोच रहे हो फिर? मैं बस ये सोच रहा हूं कि जो भी करना है खुद ही करना है, क्योंकि बाबा से तो किसी किस्म की उम्मीद बेकार है। तो हम बैंक से लोन ले लेंगे ना। अब बता भी दो उसे, कब तक यूं छुप छुप के देखते रहोगे तुम? सही वक्त आने पे बता दूंगा। अगर उसकी शादी होगी तो तुम पता चले वक्त का इंतजार करते रहे और डोली कोई और लेंगे। क्या हो गया खाम खा डरा क्यों रहे? डरा नहीं रहा मैं, सिर्फ हकीकत बता। आपने बिला वजह सहमत की, हमने तो अपना जवाब दे दिया था। वो जगह हमारी जरूरत है, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। अभी तो हम आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ज्यादा जिद की तो ये धमकी तुम किसे दे रहे? अपने दोस्त किसी और पे जाके जमाना। अपना यह हथियार उठाओ और वापस रखो इसे। एक्चुअली ये सब बाबा की वजह से है, वरना शामी किसी को धमकी नहीं देता। देखिए रफीक साहब, मैं समझता हूँ आप बिला वजह जिद कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है नहीं है। वैसे कीमत भी अच्छी मिल रही है आपको, तो सोचने में बेकार है वक्त का नुकसान। यकीन करें हमें आपकी इस ऑफर के बारे में कुछ नहीं सोचना। वो घर मेरी नानी ने मेरे और मेरी बहन के नाम पे दिया था, और आप लोग जो कीमत हमें ऑफर कर रहे हैं ना, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप लोग अब जा सकते हैं। कोई बात नहीं, अपनी देख लेंगे, परेशान मत हो। मैं तो कहती हूँ बेचो उसे, हमने कहाँ रहना है वहाँ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो घर मुझे और राहिल भाई को नाना ने गिफ्ट में दिया था, हमारी बचपन की यादें हैं वहां पर, अपनी यादों का सौदा कौन करता है? इस लड़की का तो अपना फलसफा है, क्या जरूरत है किसी को दुश्मन बनाने की? अम्मी वैसे अलीजे का बिल्कुल सही फैसला है ये, बल्कि हम दोनों का मुश्तरका फैसला है और हम अपने फैसले से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। तुम दोनों को समझना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हाय, मुझे इतना डर लग रहा था अगर वो लड़का गन चला देता फिर। अलीजे मैंने बहुत से देखे हैं इस तरह की गिदड़ भपकियां देने वाले, भला गन चलाना कोई आसान काम?
वैसे अब्बा को ना ऐसे गुंडे बदमाश को हंसने ही नहीं देना चाहिए था। जवाब दे दिया ना हमने, अब मुड़ के नहीं आने वाला वो। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, हम ठीक तो कर रहे हैं ना, हमें घर नहीं बेचना चाहिए ना। घर बेचना होगा तो हम बेच देंगे, लेकिन किसी की धमकियों में आके नहीं बेचेंगे। लोग तुम्हारे भाई को आके धमकी दे रहे हैं और भाई तुम्हारे घर बेच दे। ये ले। मेरा पसंदीदा बिस्किट कहाँ है, क्रीम वाले किधर गए? मैंने खत्म कर दिया। जल्दी आने की आदत डालो। मैं इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी ना आप तो मैं नहीं करना चाहती। अब ये क्या फजूल बात है? अबे फजूल क्या बात है, इतनी क्या जल्दी थी आपको? मैं कहीं भाग रहा था, सुकून से कर लेते शादी। जिस किस्म की लड़कियों से तुम्हारा मिलना जुलना है ना, 24 घंटे दिल को धड़का लगा रहता है कि किसी भी राह चलती लड़की का हाथ पकड़ोगे और उसे घर ले आओगे। इतना बेवकूफ समझे हुआ आपने मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी शादी रानिया से तय हो चुकी है। इस तरह अगर किसी दूसरी को लाऊंगा ना तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे आप उसे। तो इसमें क्या बात है, रानिया का क्या मुकाबला इन लड़कियों से? हाँ तुम जानते हो ना, इस घर में बल्कि बिजनेस में भी बराबर की हिस्सेदार है वो। और तुम्हारी शादी हो जाएगी ना उससे तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा, और क्या चाहिए तुम्हें? कह तो सही रही आप, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए। ये लो। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जा रहे हो भाई? अब फिरोज ने एक बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स की है, बस उधर ही जा रहा हूँ। तुम कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ऑफर कभी रिफ्यूज ना करता। हम तुम्हारे इंस्टीट्यूट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो तो आप कंस्ट्रक्शन से भी कमा रहे हैं बाबा, बिजनेस मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे न्यू प्रोफेशनल्स को जॉब हंटिंग में मदद मिले, और ऐसे लोगों के पास पैसे नहीं होते, खाब जरूर होते हैं। मुझे पता है आप मेरी बातों से कन्विंस नहीं होंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। अहमक आदमी है, चार रोज धक्के खाएगा तो खुद ही समझ जाए। शामी क्या ढूंढ रहे हैं? रानिया मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, वो देखी है तुमने? क्या हुलिया बनाया हुआ शामी, कोई कह सकता है कुछ दिन बाद हमारी शादी है? रानिया मेरी फाइल देखी है या नहीं? ब्लू वाली? हाँ हाँ वही। वो तो मैंने तबरेज के बैग में रख दी, मुझे लगा उसकी फाइल होगी। यार वो मेरी फाइल है रानिया, जल्दी करो जाकर लेकर आओ। अच्छा तबरेज तो चला गया, वो सुबह ही चला जाता है। यार तुमने तमाशा बनाया हुआ रानिया, उधर पापा वेट कर रहे हैं, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है यार। सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी इसमें मेंशन है और उसका फी टैरिफ भी, इसमें एक दफा देख लो ठीक है? और उसकी एग्जैक्ट कॉपी एक मेरे पास भी है। हेलो। हाँ तबरेज कहाँ पर हो तुम? इंस्टीट्यूट में ही हो? हाँ मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, सब खैरियत?
हाँ यार, वो रानिया ने मेरी एक फाइल गलती से तुम्हारे पास रख दी है। तुम्हारे पास ही है ना? अच्छा, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ अगर है। होल्ड ऑन। किस कलर की है? ब्लू कलर। यस, हाँ तुम्हारी फाइल मेरे पास ही पड़ी हुई है। उसे संभाल के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, ले जाओ। आई एम वेटिंग। बाय। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। रानिया ने गलती से शामिर की फाइल मेरे बैग में रख दिया। फिर तो शामिर साहब का पारा बहुत हाई हो गया होगा। नहीं एक्चुअली नहीं, दोनों की शादी होने वाली है ना, बहुत ख्याल रखते हैं उसका। शामिर साहब और किसी का ख्याल रखे, इससे अच्छी खुशहाली और क्या हो सकती है तबरेज। वैसे तबरेज एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। मैं सोच रहा था कि तुम इतने डिफरेंट कैसे हो। आई मीन मोहसिन अंकल और देखो शामिर पे बिल्कुल फ्यूडल छाप है, लेकिन तुम इतने डिफरेंट, इतने केयरिंग, इतने हम्बल, हाउ कम? आई डोंट नो, आई गेस फैमिली में किसी के तो मेरे जैसा हो नहीं था। इंटरेस्टिंग। एनीवे मेरी क्लास का टाइम हो गया, आई विल सी यू फॉर लंच देन। हां श्योर, चलो ओके। अम्मी बस मैंने कह दिया है ना आपसे, आप फूफू से अलीजे का हक नहीं मांगेंगे। लेकिन शरीना बेटा, मना करने की कोई वजह भी तो हो ना। अलीजे देखी हुई बच्ची है और अहमर को पसंद भी है। मत सुनाए मुझे उसके कसीदे, वो चाहे सोने की क्यों ना बनी हो, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि उसकी शादी अहमर से हो। लेकिन मैं अहमर से क्या कहूँगी, वो तो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है ना। तो काम करे, कर दो उसकी खुशी पूरी, मैं ले लेती हूँ राही से तलाक। अल्लाह ना करे शरीना, पागलों वाली बातें कर रही हूँ, सोच समझ के बात मुंह से निकाला करो। अम्मी आप क्यों नहीं सोचती, लोग तो खुद एहतियात करते हैं, जिस घर में लड़की ब्याही होती है वहाँ कोई दूसरा रिश्ता डालते ही नहीं। अम्मी खुद सोचे, कल को अलीजा और अहमर में कोई नाचाकी हो गई तो घर तो मेरा ही खराब होगी। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे पता है वट्टे सट्टे में बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं समझा दूंगी ना उसे। परेशान आप ना हो, देखिएगा ऐसी चांद सी लड़की ढूंढूंगी ना अपने भाई के लिए, भूल जाएगा अलीजा को। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम क्या कर रही हो? मैं अल्लाह इतनी गर्मी थी, खाना भी नहीं पकाया जा रहा था तो इतना बुरा बना, मैं तो चिप्स खा रही हूँ बैठ के। खुश रहा करो बेटा। मैं सोचूं खाना ऐसा बनाया अगर तबीयत खराब हुई तो आधा किचन का काम तो संभाल लेती है वो। चलो अच्छी बात, तुम भी उसका ख्याल रखा करो। So yes, this is where the equation ends and I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आप लोगों को बताया था that this is how you solve the equation, yes? First one. The first one, अच्छा मैं बता देता हूँ। किसी भी कंफ्यूजन है? नो सर। जस्ट इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आती है, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर, वो आपके लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें थी जो मुझे सही से समझ नहीं आई। एक्चुअली मैं क्लास में नहीं थी। डोंट वरी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।
इडियट। पल दो पल।